देखिए बिहार में आपको याद होगा जातीय जनगणना करने के लिए कितनी बड़ी राजनीति की गई थी। वही वो समय था जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तब के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था और उसके बाद से ही इसकी चर्चा शुरू हुई थी कि क्या भविष्य में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ जाएंगे और ऐसा हो भी गया। लेकिन जातीय जनगणना का मामला जो है वो दब सा गया था। लेकिन अब बिहार सरकार ने ये ठान लिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगा और इसकी तैयारी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तमाम जो अधिकारी हैं जिन्हें इस काम में लगाना है, जो इस काम को परिणाम तक पहुंचाएंगे, उनकी नियुक्ति भी कर दी गई है। एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें ये बात बताया गया है कि 7 जनवरी 2023, जी हाँ, जो नया साल आ रहा है 2023, उसके पहले महीने के 7 तारीख से गणना शुरू होगी। लेकिन गणना जो है वो सिर्फ जातीय नहीं होगा बल्कि आर्थिक सहजातीय गणना होगा, यानी जाति की आबादी भी गिनी जाएगी और आर्थिक स्थिति किसकी क्या है इसका भी पूरा खाका नीतीश कुमार जो है वो तैयार करवाएंगे। 7 जनवरी से लेकर और 21 जनवरी तक लगभग 15 दिनों तक जितने भी मकान है पहले मकान की गणना होगी और सिर्फ गणना नहीं होगा बल्कि जो मकान होंगे उनको नंबरिंग भी किया जाएगा, यानी उसकी जो संख्या होगी वो भी तय की जाएगी। और इसके बाद जो गणना होगा जाति का और उनकी जो आर्थिक स्थिति होगी उसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। तो सरकार के जो विशेष सचिव हैं मोहम्मद साहिर, उन्होंने ही पत्र जारी किया है जिसके मुताबिक राज्य में गणना कार्य के लिए जो गणना कर्मी है उनकी प्रतिनियुक्ति भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि जाति से आर्थिक गणना का काम जो है वो 2 चरणों में पूरा होगा और दूसरे चरण में मार्च में जाति के साथ आर्थिक गणना की जाएगी। पटना जिला की अगर हम बात करें, सिर्फ पटना जिला की, तो साल 2011 के मुताबिक पटना की आबादी जो है वो करीब 58,38,465 थी। जी हाँ, 58,38,465, जो कि अब अनुमानित है, जिसकी 2022 की बात कर रहे हैं तो इस समय जो अनुमानित आबादी बताई जा रही है सरकार के द्वारा वो करीब 74,32,950 है। जी हाँ, 74,32,950। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार गणना जो है वो कैसे किया जाएगा, जो अधिकारी जो जिनकी नियुक्ति की गई है वो किस प्रक्रिया के तहत इसका काम करेंगे। तो 15 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण होगा जिसमें सभी जिलों के 10 अफसर जो है वो शामिल होंगे। जाति से आर्थिक गणना के लिए 15 दिसंबर को बिपार्ड में राज्य स्तरीय ट्रेनिंग की जाएगी। इसमें राज्य के सभी 38 जिलों से 10-10 अधिकारी को शामिल होना है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारी अपने अपने जिले में अधिकारियों और कर्मियों को फिर आगे प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा पटना में 204 जातियों की गिनती के लिए 11 कुशाण बनाए गए हैं और इसके लिए 45 चार्ज बनाए गए हैं। जिले में यानी पटना में 204 जातियों की गणना के लिए 11 कुशाण और 45 चार्ज का गठन किया गया है। सभी कुशाण में वरीय नोडल पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने सभी को तैयारी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 12,696 गणना खंड है और एक खंड में करीब 700 की आबादी शामिल की गई है। पटना जिले की बात करें तो पटना जिला में 74.32 लाख लोगों की जातियों को गिनने के लिए 12,696 लोगों की एक सूची तैयार की गई है। एक गणना ब्लॉक में 700 की आबादी पर गणना खंड का गठन किया गया है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए 2,116 पर्यवेक्षक जो है उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। तो पूरी तैयारी जो है वो बिहार सरकार की तरफ से कर ली गई है ताकि जातीय जनगणना को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। आपको पता होगा कि बिहार के नगर निगम चुनाव को, जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है, उसको लेकर विकराल लगा हुआ है, लगातार मामला कोर्ट में है, जो पार्टियां हैं उनके द्वारा बहस चल रहा है, तर्क टिप्पणी हो रहा है, लेकिन वहां भी मामला जो है वो अति पिछड़ा आयोग को लेकर ही फंसा हुआ है। कोर्ट बार बार ये बात कह रहा है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा, जातियों की आबादी नहीं होगी, उनकी काउंटिंग नहीं होगी, तो रिजर्वेशन आखिरकार किसी भी चीज में कैसे दिया जा सकता है। तो इन तमाम मसलों पर अब शायद निकट भविष्य में पूर्ण विराम लग जाएगा। 15 दिसंबर से जो है वो ट्रेनिंग शुरू होगा, 3800 जिला से 10-10 लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे और फिर वो यहां से प्रशिक्षण लेकर अपने जिले में जाकर जो अन्य अधिकारी होंगे जो इसके लिए कार्यरत होंगे
उनको प्रशिक्षण देंगे। 7 जनवरी से ये काम जो है वो पूरे जोर शोर से बिहार में शुरू हो जाएगा, यानी जातीय जनगणना का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। प्रणाम, उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।